हाउस इट ट्राई करो, अपना पहला गेम खेलो एकदम फ्री। डाउनलोड द ऐप फ्रॉम हाउस इट डॉट कॉम। मेक योर टीम नाउ। एक ओवर डिफेंड करने थे 15 रन और क्रीज पर मौजूद थे मार्कस स्टोइनिस जैसे फिनिशर। अगेंस्ट द ऑड्स जाकर कुलदीप सेन ने अपनी नर्व्स पर काबू रखा और अपनी बेहतरीन पेस और एक्यूरेसी से दिलाई राजस्थान रॉयल्स को एक फेमस विन। कुछ खिलाड़ी अंडर प्रेशर बिखर जाते हैं और कुछ खिलाड़ी अंडर प्रेशर निखर जाते हैं। 25 साल के कुलदीप सेन अपने डेब्यू में ऐसे निखरे कि क्रिकेट प्रेमियों की जुबां पर एक ही सवाल आया, कुलदीप सेन है कौन और उनकी कहानी क्या है। कुलदीप हरिहरपुर गांव रेवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। क्रिकेट का जुनून बचपन से ही सर चढ़कर बोलता था, लेकिन आर्थिक दिक्कतें रास्ते में कई बार विलन बनकर भी सामने आई। लेकिन कुलदीप का जुनून इन सभी दिक्कतों पर भारी पड़ता गया और वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। पिता रामपाल सेन एक छोटा सा सैलो चलाते हैं और शुरुआत से ही कुलदीप के क्रिकेट खेलने के सख्त खिलाफ थे। खिलाफ इतने कि कभी कभार कुलदीप को बुरी मार भी लगा देते थे, लेकिन मार खाने के बाद भी कुलदीप एक ही चीज की रट लगाए रखते थे, क्रिकेट ही मेरा पैशन है और क्रिकेट ही मेरा ड्रीम। आईपीएल में 20 लाख बेस प्राइस में खरीदे जाने के बाद पिता रामपाल सेन भावुक हो गए थे और वो बोले, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कुलदीप का क्रिकेट टैलेंट हमारे परिवार को पहचान देगा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। कुलदीप नेचुरली टैलेंटेड थे और उनके टैलेंट को पहचाना उनके कोच एरिल एंथनी ने। 15 साल के कुलदीप ने विंध्य क्रिकेट अकेडमी में एडमिशन लिया था। कुलदीप के पैशन और टैलेंट को देखते हुए उनकी फीस माफ भी कर दी गई थी और उन्हें शुरुआत में क्रिकेट किट भी प्रोवाइड की गई थी। उनके कोच एरिल का ही कहना था, कुलदीप का टैलेंट और पैशन देखकर पता चली गया था कि वो काफी स्पेशल है। जूनियर क्रिकेट में भी आर्थिक दिक्कतें कुलदीप का पीछा नहीं छोड़ रही थी। ऐसी एक मुसीबत को दूर किया रेवा के पहले आईपीएल खिलाड़ी ईश्वर पांडे ने। जब कुलदीप के पास बॉलिंग स्पाइक्स तक नहीं थे, तब ईश्वर पांडे ने ही अपने स्पाइक्स देकर उनकी मदद की थी। कुलदीप ने जूनियर क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद ही मध्य प्रदेश के रणजी टीम में जगह बनाई थी। रणजी के पहले ही सीजन में 8 मुकाबलों में 25 विकेट झटकी थी और पंजाब के खिलाफ एक फाइफर भी था। टोटल 16 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में कुलदीप के 44 विकेट्स थी। कुलदीप ने आईपीएल ट्रायल्स के लिए 3 साल लगातार मेहनत की थी और आखिरकार 2022 में राजस्थान रॉयल्स ने इस राइजिंग स्टार को मौका दिया। इस युवा तेज गेंदबाज की कहानी एक चीज तो साफ करती है कि सच्ची नीयत और दृढ़ता से मेहनत की जाए तो आज नहीं तो कल आप अपना लक्ष्य जरूर हासिल कर सकते हैं। यह थी कुलदीप सेन की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल मैं आकाश त्यागी लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।